हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं मारिको के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 24 जून 2024 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मारिको में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें देखने मिला है एक यहाँ पे नेगेटिव मूव 2.96% का। 609.8 में यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है ज़रूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को हमें स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है ज़रूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वनडे के चार्ट में, बात करते हैं सबसे पहले आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो ये रहा हमारा वनडे का चार्ट। वनडे के चार्ट पर अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की तो एवरेज सा हमें वॉल्यूम देखने मिल रहा है। कैंडल यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम साइज की बॉडी बनी है। दोनों के साइड में बारीक बारीक विक हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की 50-51 के आसपास हमारा आरएसआई आ चुका है जो यानी कि एकदम ही न्यूट्रल यानी कि दोनों साइड का इशारा दे रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कई बार कहता हूँ चाहे आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, कहीं और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन के आने वाले दिनों के लिए, तो मेरा ओपिनियन आने वाले दिनों के लिए अगर मैं कहूँ तो जरूर यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव का एक्सपेक्टेड अपसाइड मूव हमें जो है 621 के आसपास देखने में, उसको भी क्रॉस करते हुए गया मोमेंटम हमें जो है इजीली 634 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में ट्रेंड भी जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं यहाँ पे हमें क्या देखने मिलने वाला है मंडे के दिन। तो ये रहा हमारा वन आर का चार्ट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में जरूर मार्क करके रख देता हूँ। तो फिलहाल जो भी मैं यहाँ पे मार्किंग्स कर रहा हूँ मैं चाहूँगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग जो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरीडे 4 स्टॉक्स जो एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जूम करके मैं बात करता हूँ इसके क्लोजिंग की। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 610 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता 606 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता 612 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस जोन क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 601 का, उसके बाद क्या था 596 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 616.75 का, उसके बाद क्या था 622 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जोन आपको बताया जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो अपना यहाँ पे जो है ट्रेड मंडे का ले। बाकी मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे मंडे के लिए जरूर मैं कहूँ तो एक पॉजिटिव मूव का 612.2 से लेकर 616.75 के रेंज में हमें क्लोजिंग जो एक्सपेक्टेड यानी कि पॉजिटिव क्लोजिंग मैं जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मंडे के दिन। बाकी आपको क्या लगता है क्या हो सकता है मंडे के दिन हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।